बोले मैया से बोले, हे मैया, आई प्रे टू मदर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। यू आर प्रूफ राइडर, आप गलतियों को क्षमा करने वाली है। आई एम योर वार्डर, मैं तुम्हारा दास हूँ। सो एक्सक्यूज मी, मेरी गलती को माफ करें। भैया, हमारी गलती इतनी हो गई कि तुम्हारी हम खोज तो बहुत दिन से लगा रहे हैं। सब जगह हमने अपनी सेना को भेज दिया है, लेकिन तुम मिल नहीं पा रही, इसलिए तुम्हें यहाँ रह के परेशानी हुई होगी। और मैया, मैं आपको ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई, इसलिए मैया मैं बहुत भूखा हूँ। हनुमान जी बोले कि फ्रेंडली इज नॉट माई दिस कंट्री। मैया, लंका में पहली बार आया हूँ। परीक्षित महाराज, हनुमान जी लंका में पहली बार गए थे, तो हनुमान जी बोले फ्रेंडली इज नॉट माई दिस कंट्री। मैया, लंका में पहली बार आया हूँ, सो आई एम नाउ वेरी मच हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। से बोले, मैया मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, अगर कुछ खाने के लिए हो तो मुझे दे दो। हनुमान जी कह रहे हैं, मुझे भूख सताए जननी मैया, जन छूता को बुझाए गुहरनी मैया, इष्टु मच्ची जले पार मई रही अटे जाए, इष्टु मच्ची जले पार मई रही अटे जाए, और हनुमान जी ने कहा, मैया मुझे भूख लग रही है। सीता जी ने कह दिया, हनुमान यहाँ मेरा घर थोड़ी है, अरे रावण तो खुद मेरा अपहरण करके लाया है, इसलिए आपको ज्यादा भूख लग रही है। तो देखो, ये पास में रावण का बाग है, इसमें चले जाओ और बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हैं, इनको खा लेना। हनुमान जी महाराज बाग में गए, सबने देखा है टीवी पे, हनुमान जी बाग में गए तो पहले तो फल खाए, और फल खा के उन्होंने क्या किया, पेड़ को पकड़ा, उखाड़ा और फेंक दिया। हनुमान जी ने पेड़ पकड़ा, उखाड़ा और फेंक दिया, और जैसे ही फेंका, देन गार्डनर अफ्रेड, यानी बगीचा के माली डरने लगे, साव हिज गार्डन वेरी बैड, अपने बगीचा की बुरी कंडीशन को देख करके।
बोलिए हे गोविंद भगवान की। तो परीक्षित महाराज और आगे की बड़ी सुंदर कथा है महाराज हरिश्चंद्र के बारे में कि महाराज हरिश्चंद्र ने अपने धर्म को कैसे बचाया और कैसे कैसे उन्होंने परीक्षा दी और कैसे जाकर के